हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैंने अपने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के का विजिट दिखाया है और ये झारखंड से हम निकले हैं डाल्टनगंज होते हुए बनारस के लिए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने जा रहे हैं। सोनभद्र का ये प्रवेश द्वार दिख रहा है और यहाँ से हम लोग उत्तर प्रदेश में यूपी में प्रवेश किए हैं और ये बनारस जा रहे थे। एक्चुअली बनारस से हमको फ़्लाइट पकड़नी थी दिल्ली के लिए। और ये देखिए, हम रामनगर किले के सामने से गुजर रहे हैं। बनारस में मैं करीब हम लोग एंटर हो गए हैं और ये रामनगर किले से आगे, ये रामनगर का पुल है जो बनारस से जोड़ता है रामनगर को। ये कुछ सालों पहले ये ब्रिज बना है लेकिन इससे काफ़ी सुविधा हो गई है और इतना सुंदर व्यू लग रहा है, डूबता हुआ सूरज, गंगा नदी के ऊपर ये बना हुआ पुल, गंगा नदी और डूबता हुआ सूरज, और ये समय बहुत अच्छा लग रहा है। ये बड़ा विहंगम दृश्य लग गया है मुझे तो। और सबसे खुशी ये हो रही है कि हमको लग रहा था हम काफ़ी लेट हो गए थे बनारस पहुंचने में, कुछ ज़रूरी काम था और बीच में रास्ते में कहीं पेड़ गिर गया तो रास्ता ब्लॉक हो गया, हमको अपनी रोड चेंज करना पड़ा और दूसरे रास्ते से हम लोग पहुँचे। हमें लग रहा था कि अब फ़्लाइट पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी था, 8:30 बजे शाम में हमारी फ़्लाइट थी रात में और बनारस हम अभी 6 बजे तक भी नहीं पहुँच पा रहे थे, पर हमें लगा कि अब दर्शन नहीं कर पाएंगे बाबा विश्वनाथ के। लेकिन पता नहीं एक मिरेकल है या बाबा का आशीर्वाद था या उनकी इच्छा थी कि हमारी फ़्लाइट डिले हो गई। 8:30 बजे 9:30 हो गया टाइम उसका, हमें इंडिगो वालों का फ़ोन आया कि हमारी फ़्लाइट डिले हो गई। तो हमने मतलब बड़ी खुशी हुई कि चलो अब दर्शन कर लेते हैं और ये बनारस में हम एंटर हो गए हैं। बनारस की पुराने बनारस की पुरानी गलियाँ, एकदम यह हरिश्चंद्र घाट और बाबा विश्वनाथ गली की तरफ हम पहुंच रहे हैं और ये बहुत कंजस्टेड है इधर गलियाँ। ये मंदिर का खास है काफ़ी, यहाँ पे श्री गौरी केदारेश्वर मंदिर है और ये हरिश्चंद्र घाट और दशाश्वमेध घाट, ये सब होते हुए भी काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक काफ़ी पुराना स्कूल है, सांस्कृतिक महोत्सव कर यहाँ कुछ हो रहा है, बहुत ही पुराना, कई साल पुराना, मेरे ख्याल से 1854 का ये बना हुआ स्कूल है, स्थापित हुआ है। मतलब पुराना बनारस है और ये पुरानी गलियाँ हैं इसीलिए थोड़ा कंजस्टेड है। अब हम लोग ये गोदौलिया चौक के पास आए हैं। यहाँ से सामने काशी विश्वनाथ का द्वार है, मंदिर का द्वार है। यहाँ से धीरे धीरे ही एंटर, वैसे तो काफ़ी ट्रैफिक, काफ़ी शाम हो गई थी, 6:30 का टाइम हो रहा था इसलिए इस समय और ज़्यादा भीड़ थी। धीरे धीरे ही गाड़ी जा पा रही थी और बहुत ही सुंदर लग रहा था। बहुत अच्छा लगता है बनारस की इन गलियों में और काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाती हूँ। ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं जा रही थी, कई बार मैं दर्शन कर चुकी हूँ लेकिन एक अलग ही अनुभूति होती है जब बाबा के दर्शन करने जाते हैं तो। और इस समय टाइम बहुत सुंदर, अच्छा टाइम हो रखा था और ये गलियाँ हैं, बाबा विश्वनाथ मंदिर को जाने के लिए कई गलियाँ हैं। पहले तो और ज़्यादा कंजस्टेड था लेकिन अभी काफ़ी डेवलप हो गया है। ये हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने इसके द्वार पे पहुंच गए हैं, इनके गेट पे आ गए हैं और अब दर्शन करने के लिए गाड़ी से निकल गए और कुछ फ्रेंड्स थे जो दर्शन कराने के लिए आए थे वहाँ पे। ये मंदिर के अंदर हम लोग प्रवेश किए हैं और दर्शन करके आ गए, क्योंकि अंदर कैमरा नहीं जाने दिया जाता है, इसलिए कैमरा या मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए हम लोग अंदर नहीं लगे थे। दर्शन करके और बाहर निकली हूँ मैं, बेटा है और हस्बैंड है साथ में। और मंदिर का तो ये दृश्य खैर
एक अलग अनुभूति है। मंदिर इतना सुंदर अभी हो गया, इतना डेवलप हुआ है मंदिर। पहले बहुत कंजस्टेड था, बहुत ज़्यादा। ये सामने सफ़ेद रंग की मीनारें दिख रही हैं ज्ञानवापी मंदिर की, और यहाँ पे हम लोग सब खड़े हैं दर्शन करके, एक अलग अनुभव कर रहे हैं वहाँ खड़े होके। मंदिर से निकलने के बाद बाबा विश्वनाथ के मंदिर से जस्ट सामने गंगा नदी दिखाई देने लगी है। पहले यहाँ पे बहुत छोटे छोटे घर और बहुत ही घनी बस्ती थी, लेकिन योगी जी और मोदी जी के प्रयास से यहाँ पे उनको उचित मुआवजा दे के उनको यहाँ से हटा के और सारे डेमोलिश करवा के मकान और बस्ती, और यहाँ पे इतना बड़ा ये कॉरिडोर बनाया है कि अब ये संभव हो पाया है कि यहाँ से सामने गंगा नदी दिखाई दे रही है। एक्चुअली ये रात का टाइम अंधेरा हो गया था, इसलिए आगे थोड़ा सा नदी नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन बहुत सुंदर लाइटिंग और ये इतना हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था। मैं बहुत पहले भी आती थी पर सोचा नहीं था कि इतना ये फैला हुआ, एकदम इतना विस्तार हो जाएगा मंदिर का, और इतनी खुली खुली जगह है। यहाँ पे खड़े होके हम फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, बाहर आने पे कैमरा और मोबाइल सब अलाउ था, तो यहाँ हम थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खिंचाने लगे, और इतना अच्छा लग रहा था वहाँ। लाइटिंग और मौसम, ठंडी हवा और नदी की तरफ से हवा आ रही थी, और ये सब घूमना शुरू कर दिया हमने। और सामने वो सफ़ेद रंग की मीनारें ज्ञानवापी मस्जिद की है, जो वहाँ अलाउ नहीं है कैमरा वगैरह, इसलिए दूर से ही मैं उसको दिखा पा रही हूँ। हमने सोचा कि थोड़ा टाइम बचा है तो ये पूरे कॉरिडोर का एक राउंड लिया जाए, पूरा घूम लिया जाए। ये अभी हम मंदिर से निकल के पूरे कॉरिडोर में घूम रहे हैं, और ये हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। इधर से सारे घाट आते हैं आगे जाके, मणिकर्णिका घाट की तरफ जा रहे हैं ये। देवी अहिल्या की मूर्ति बनी हुई है यहाँ पे, और छोटे छोटे प्रार्थना स्थल बना रखे हैं जगह जगह पे यहाँ पे, और इधर कुछ रेस्टोरेंट वगैरह भी खुल गए हैं, और ये छोटा सा मंदिर एक बनाया गया प्रार्थना स्थल, भारत माता का ये स्टेचू बना है यहाँ पे। यहाँ भी एक छोटा सा मंदिर है, और आगे निकल रहे हैं हम लोग, और काफ़ी विस्तार हुआ है यहाँ पे। इतना सोच ही नहीं सकते थे पहले, यहाँ इतनी घनी बस्ती, लोगों के छोटे छोटे मकान, बहुत पुरानी बस्ती, बहुत कई सालों पुराने, और इतना अब इसका विस्तार कर दिया, इतना यहाँ पे लोगों को उचित मुआवजा दिया गया यहाँ से मकान हटा, मतलब उनको यहाँ से खाली करने के लिए। शंकराचार्य मंदिर, शंकराचार्य की मूर्ति है। एक हॉल जैसा, लंबा सा हॉल जैसा बना है, यहाँ से अंदर एंटर करने पे वो गंगा नदी दिखाई दे रही है, सारे घाट दिखते हैं यहाँ से, और सारे घाटों का मतलब दर्शन किया जा सकता है यहाँ से। इस तरह से बनाया गया है ये, और ये एंट्रेंस, लेकिन अब चूंकि अंधेरे की वजह से नदी नहीं दिखाई दे रही है, और इधर की तरफ ये मणिकर्णिका घाट की तरफ दिखाया जा है, ये दिखाया है मैंने थोड़ा सा। यहाँ पे कुछ
यही जीवन का सत्य है। इसे देखकर, घाट को देखकर लग रहा है यहाँ पे व्यक्ति अपनी अंतिम यात्रा पूरी करता है, और ये देख के थोड़ा सा मन विचलित सा होता है, लेकिन यही सत्य है जीवन का। यहाँ पे दशाश्वमेघ घाट की तरफ आ रहे हैं हम लोग, आके यहाँ खड़े हैं। और ये यहाँ पे मोदी जी को भी दिखाया गया था, इसी रास्ते से आके मोदी जी गंगा में स्नान किए थे, उनका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था उस समय। यहाँ तक हम लोग आए पर गंगा नदी नहीं दिख रही है, लेकिन कैमरे में नहीं दिखाई दे रही, वैसे खड़े थे वहाँ, बहुत अच्छा लग रहा था। नदी की तरफ से ठंडी हवा और एक शांति का अनुभव होना जिसे कहा जाता है। अब ये हम लोग वापसी में जा रहे हैं। ये दीवार पे लाइटिंग के द्वारा चित्रकारी समझ जाइए कि ये भैरव के या शिव जी के कई रूप दिखाई दे रहे हैं लाइटिंग के द्वारा इनके हर दीवार पर। कॉरिडोर तो ये काफ़ी डेवलप हो गया है, यहाँ तो अब छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं, साउथ इंडियन और मुंबई भेल और कई तरह के रेस्टोरेंट खुल गए हैं, आप घूमिए खाइए पीजिए। और एटीएम वगैरह सब कुछ वहाँ अच्छा खासा खुल गया है इसी कॉरिडोर में। अब दर्शन करके हम लोग बाहर निकल गए हैं। बाहर आए हैं तो जाहिर है बनारस आए और बनारसी साड़ी ना खरीदें, तो अभी हमारे पास टाइम काफ़ी बचा था, तो हमने सोचा कि वहीं गलियों में, वहीं चौक पे एक शॉप है गीतांजलि साड़ीज करके, जहाँ बड़े अच्छे रेट में और अच्छी साड़ियाँ मिल जाती है, हमें अपने हिसाब से अपनी पसंद की साड़ी मिल जाती है, तो उसी शॉप में जा रहे थे। तो यहाँ वहाँ गाड़ी से जा नहीं सकते, पैदल ही जाना था, कुछ गलियों में से होके जाना था, तो ये गलियाँ क्रॉस करते हुए हम शॉप की तरफ जा रही हूँ मैं, और मेरी इस समय मेरी चाल थोड़ी तेज़ हो गई है साड़ी की दुकान पर जाने के लिए। बड़ी पतली सी गली है ये, और ये खोआ गली कहलाती है। इसमें चारों तरफ देखिए खोआ बिक रहा है और पनीर बिक रहा है, खोआ ताज़ा ताज़ा खोआ बना के यहाँ पे खोआ बेचते हैं, और पनीर हुआ, खोए के पेड़े हुए, ये सब ताज़ा ताज़ा पनीर, ये सब हर दुकान पे वही दिख रहा है चारों तरफ, और उसकी खुशबू भी पूरी गली में उसकी खुशबू फैली हुई है, खोए की, पनीर की और खोए के पेड़ों की। यहाँ ये बता रहे थे कोई ब्लू लस्सी वाला है जो वर्ल्ड फेमस है, उसकी लस्सी बहुत टेस्टी है बता रहे थे कि वो लस्सी टेस्ट की जाएगी, लेकिन पहले मेरा ये था कि पहले साड़ी ली जाएगी उसके बाद ही लस्सी पी जाएगी। इस गली में पूजा का सामान और कैलेंडर और
पूजा का सारा सामान हर चीज़ मतलब यहाँ पे अवेलेबल इस गली में सब मिल रहा था। और पुराने ज़माने से जो पूजा में और हवन में जो भी सामान यूज होता है सब कुछ यहाँ अवेलेबल है, अचार पापड़ हर चीज़ मिल रहा था। ये शॉप पे हम लोग पहुँच गए हैं, अब यहाँ पे हमारा वीडियो भी ख़त्म होने वाला है। बस साड़ी परचेजिंग के बाद हम वापस बाबा विश्वनाथ द्वार पर आ गए जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी थी। यहाँ से आगे की यात्रा आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगी। तब तक टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।